आज आपके सामने खड़ी है हुंडई की तरफ से आने वाली छोटी सी साइज की गाड़ी। ऐसे तो सबसे छोटी कहें तो अभी फिलहाल सेंट्रो आ रही है, बट ये सेंट्रो से थोड़ी ज़्यादा अच्छी है फीचर्स वाइज भी और देखने भालने में भी। अब आप पहचान पाएंगे तो ये आपके सामने लगी है हुंडई ग्रैंड i10 नियोस, जो आपको कुछ इस तरीके की साइड लुक के साथ आती है। अगर बात करें प्राइस की तो ये गाड़ी आनी स्टार्ट हो जाती है 5,39,000 रुपये एक्स शोरूम से, जिसकी सबसे बेस वेरिएंट आती है उसकी नाम है ERA, एरा करके कहती है, पता नहीं ये चीज़ आप अपने हिसाब से जान लो। तो ये चीज़ मिलती है और ये जो आपके सामने वेरिएंट खड़ी है ये है सबसे टॉप वेरिएंट, जिसे कहती है कंपनी एस्टा। तो एस्टा की बैजिंग आपको भाई यहाँ पर मिल जाती है। तो 3-4 वेरियंट इसमें आपको देखने को मिलते हैं, तो ये है सबसे टॉप वेरियंट। इसकी अगर दाम की बात करें तो ये आपको पड़ती है 7,53,000 रुपये एक्स शोरूम। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ इसमें फीचर्स मिलते हैं। ऐसे आपको बता दें कि इसके कंपटीशन में अभी मुझे जो पर्सनली दो ही गाड़ी दिखती है, पहली तो दिखती है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट और दूसरी दिखती है टाटा की तरफ से आने वाले टियागो। अब आपको और कोई लगती हो कि इसे कंपीट कर रही तो वो चीज़ आप हमें कॉमेंट करके बताइएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले पीछे साइड से ही। तो यहाँ पर आपको हुंडई की लोगो मिल जाती है, ग्रैंड i10 लिखी हुई आती है और इस जगह एस्टा, जैसा कि मैंने बैजिंग आपको दिखाया वो चीज़ मिलती है। ऐसे इसमें जो सबसे ज़्यादा सेल वेरिएंट होती है वो होती है स्पोर्ट की। ऊपर साइड में आपको यहाँ पर मिल जा रहे हैं सार्कफिन एंटीना, यहाँ पर स्पॉयलर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, रियर यहाँ पर वाइपर हो गए आपके, हुंडई की लोगो हो गई और नियोस लिखी हुई आपको यहाँ पर मिलती है। ग्रैंड i10 की बैजिंग आपको इस जगह मिल जाती है और क्रोम कलर की जो लाइन है ये चीज़ आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट यानी एस्टा में ही देखने को मिलेंगे। रियर साइड में दो आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, बाकी रियर कैमरा जो है ये चीज़ आपको भाई यहाँ पर मिलेगी, इसके नीचे साइड में लगी हुई है। अब बूट आपको ओपन करके दिखाएं तो बूट जो है वो आपको मिलता है इतने से साइज़ का, जहाँ पर ये जो पीछे वाली सीट है ये फोल्ड होने वाला सिस्टम आपको 60-40 वाला नहीं मिलता है। अगर आपको ये चीज़ फोल्ड करना हो तो ये पूरा फोल्ड होगा। स्पेयर टायर की बात बची तो स्पेयर टायर ये चीज़ आपको मिल रहे हैं इसमें 165x70 R14 यानी 14 इंच का आपको स्पेयर टायर मिलता है। बूट लैंप ये सारा चीज़ यहाँ पर मिल जा रहा है, किसी भी तरीके का हुक, हाँ हुक मिलता है यहाँ पर आप देखें तो आपको इस जगह हुक भी मिल जाता है। पार्सल ट्रे ये सारा चीज़ इसमें मिल ही जा रहा है। अब आते हैं यहाँ पर टेल लैंप, टोटल आपको नॉर्मल हेलोजन वाले मिलेंगे, इंडिकेटर हो गए, ये आपके रिवर्स लाइट हो गए, ये सारी चीज़ मिल जाती है, टेल लैंप ये हो गए। अब साइड में अगर बात करें तो यहाँ पर ग्रैंड i10 लिखी हुई आती है और ऊपर साइड में आपको रूफरल्स ये सारी चीज़ मिल जाती है। अब ये आपको मिल रही है जो डोर हैंडल, ये आपको मिल रही है क्रोम फिनिश के साथ, जो आपको इसके सिर्फ टॉप वेरिएंट में ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखें तो टायर जो है ये चीज़ आपको मिल रही है 15 इंच की, स्पेयर टायर आपको भले ही 14 इंच के मिले बट ये जो इसमें लगी हुई है ये आपको 175x60 R15 यानी 15 इंच का आपको मिलता है व्हील। रियर साइड में किसी भी तरीके का डिस्क ब्रेक, कैलिपर ये सारा चीज़ नहीं मिलता है। अब ये जो कलर आप देख रहे हैं ये कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, खासकर इस गाड़ी के साथ। इस जगह आपको मिल जाती है रिक्वेस्ट सेंसर और अगर बात करें ORVM के तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको मिलती है हेडलाइट की सारी सेटअप जिसमें आपको प्रोजेक्टर वाले हेडलैम्प मिलते हैं। बट एक चीज़ यहाँ पर है कि इतनी प्राइस पॉइंट के साथ ये गाड़ी आती है, यानी अच्छी खासी महंगी या फिर कहें तो ये आपको पड़ती है टॉप वेरियंट। बट एक चीज़ मुझे इस गाड़ी में मिसिंग लगती है, उसकी बात थोड़ी करता हूँ कि क्या चीज़ मुझे मिसिंग लगती है, तो वो आप यहाँ पर देखें तो इसमें भाई कंपनी वाले दे रहे हैं नॉर्मल हेलोजन वाले आपको प्रोजेक्टर लैंप। तो ये चीज़ कम से कम LED दे देते तो ये गाड़ी में और 4 चांद सी लग जाती। यहाँ पर इंडिकेटर मिलते हैं, फॉग लैंप आपको मिल जाते हैं प्रोजेक्टर वाले और यहाँ पर आपको मिलती है DRL, जो इस तरीके से दो आपको DRL मिल जाते हैं, एक इस कॉर्नर पर दूसरी आपको इस कॉर्नर पर। यहाँ पर हुंडई के लोगो हो गए और आपको जो फ्रंट में ग्रिल मिलते हैं ये मिलते हैं पियानो ब्लैक कलर के साथ। तो ओवरऑल जो है फ्रंट का यही आपको लुक इसमें मिलने वाला है। वाइपर ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब चलिए बैठते हैं इंटीरियर में और इंटीरियर में देखते हैं। वैसे ग्राउंड क्लियरेंस आपको बता देते हैं तो इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 167 यानी 167 mm का और बूट स्पेस है वो चीज़ आपको मिलता है 260 लीटर का। कि इसमें आपको इस तरीके की मिलती है रिमोट वाले, जिसमें गाड़ी लॉक करना हो, गाड़ी अनलॉक करना हो, लॉक या अनलॉक करने पर ये चीज़ फोल्ड या अनफोल्ड नहीं होगा और ये अगर आप होल्ड रखते हैं तो इसकी टेलगेट हो जाएगी अनलॉक।
अब चलिए चलते हैं इंटीरियर में। यहाँ पर आपको कीलेस एंट्री के सेंसर मिल जाते हैं, जैसे कि ये अभी गाड़ी फिलहाल है लॉक, इसे मैं प्रेस करूंगा तो ये हो जाएगी अनलॉक। इस जगह आपको सारा विंडो से रिलेटेड कंट्रोल मिलता है। ORBM आपको फोल्ड अनफोल्ड करना हो वो चीज़ आपका भले ही यहाँ से काम करेगा, बाकी एडजस्ट करना हो वो सारा चीज़ आपको यहीं से काम करेगा। डोर लॉक अनलॉक करना हो ये चीज़ आप यहाँ से कर पाएंगे। यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, यहाँ पर स्पीकर मिलते हैं, शायद इसमें टोटल आपको 4 स्पीकर्स मिलते हैं। कहीं पर भी आपको फैब्रिक यूज नहीं किए गए हैं, टोटल जगह आपको हार्ड प्लास्टिक ही देखने को मिलती है। यहाँ पर बोतल होल्डर हो गए आपके। अब आइए इस जगह देखते हैं, तो इसमें आपको सीट में हाइट एडजस्टमेंट का भी सिस्टम मिलता है। और आप बैठे अगर अंदर तो ये टोटल आप कलर देख रहे होंगे, सीट की हो गई, डैशबोर्ड की हो गई, डोर के ऊपर की हो गई, ये सारी चीज़ आपको लगभग सेम जैसी ही मिलेगी। यहाँ पर आपको मिलते हैं हेडलाइट लेवलिंग कंट्रोल, यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप से रिलेटेड बटन मिल जाती है, जिसमें आपको पुश स्टार्ट स्टॉप फीचर आता है, जो ये चीज़ जो है ये चीज़ सिर्फ आपको टॉप वेरियंट में ही मिलेगा। इस जगह आपको लेदर रैप्ड मिलते हैं स्टेयरिंग व्हील, वॉल्यूम भाई इसकी हो जा कम, वॉल्यूम यहाँ से कम, तो इसमें आपको मिलते हैं लेदर रैप्ड वाले स्टेयरिंग व्हील, जिसके ऊपर किसी भी तरीके का क्रूज कंट्रोल ये सारा सिस्टम नहीं मिलेगा। इस जगह आपको मिलता है इस इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड कंट्रोल, जो है 8 इंच का। बाकी हेडलाइट के कंट्रोल यहाँ पर हो गए, वाइपर के कंट्रोल यहाँ पर हो गए, ये सारा चीज़ आपको नॉर्मल वाला ही मिलेगा। यहाँ पर आपको AC का जो कंट्रोल है ये चीज़ मिलता है ऑटोमेटिक वाला, साथ ही इस जगह हजार लाइट का कंट्रोल, ये सारा AC वेंट्स हो गया। इसके नीचे साइड में आपको मिलता है वायरलेस चार्जिंग पैड, जो इस छोटी सी गाड़ी के लिए काफ़ी बड़ी बात है कि कंपनी वालों ने इसमें दी है। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का अगेन चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, इस तरीके से ये साइड निकलता। अच्छा, ये जो है कनेक्शन इसी चीज़ का दिया गया है, ये वाला जो वायरलेस चार्जिंग पैड है। यहाँ पर USB सॉकेट, एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पर मिलता है। 5 स्पीड की मैनुअल गियर लीवर इसमें आपको मिल जाती है, इसी में आपको ऑटोमेटिक का भी सिस्टम मिल जाएगा जो महंगा पड़ेगा इससे। यहाँ पर आपको मिलता है हैंड ब्रेक जो है मैनुअल वाला। इस जगह आपको ग्लो बॉक्स मिल जाते हैं 2 पार्ट में, एक थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस ये कह लो, और दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर मिलती है ये जो है कूल्ड वाली। तो ये जो ग्लो बॉक्स कूलिंग वाला सिस्टम है, ये चीज़ भी आपको इसके सिर्फ यानी टॉप वेरियंट एस्टा में ही देखने को मिलता है। अब इस जगह देखें तो ये आपकी हो गई वही इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड कंट्रोल, जिसमें आपको कैमरा की क्वालिटी कुछ इस तरीके की लगभग कह सकते हैं कि सेम टाटा वाली ही क्वालिटी दी गई है। IRVM यहाँ पर आपको मैनुअल वाले मिल जाते हैं। इस जगह आपको मिलती है स्पीडोमीटर, इस जगह हो गए टैकोमीटर आपके, यहाँ पर हो गए, यहाँ पर आपको डिजिटल स्पीडोमीटर मिल जाती है। इस जगह आपकी क्या माइलेज दे रही है वो बताएगी, यहाँ पर आपको टेम्परेचर बताएगी। बाकी इस जगह आपकी टोटल गाड़ी 312 किलोमीटर चली है वो बता रही है, और इसे चेंज करें तो AAA, AAB, ये हो गई रेंज, ये अगेन माइलेज, ये सारी चीज़, ऊपर साइड में टेम्परेचर और फ्यूल लेवल इंडिकेटर है, ये चीज़ आपको मिलता है इस जगह यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो भाई पूरा फुल कर रखा है। डीलर सिर्फ काफ़ी कम ही चांस होते हैं कि डीलर वाले इतने इतने तेल अपने टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी में भर कर रखते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल खड़ा हूँ हुंडई इंपीरियल, जो हुंडई की शोरूम है अपने पटना में। तो ये सारी चीज़ आपको MID में बेसिक्स सारे फीचर्स मिलते हैं। यही सेम इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको i20 की स्पोर्ट वाली वेरिएंट में भी देखने को मिलती है 8 इंच वाली। अगर रिवर्स कैमरा में आपको एडेप्टिव गाइडलाइंस, हाँ ये चीज़ भाई नहीं मिलता है, और स्टेयरिंग की जो एडजस्टमेंट है ये चीज़ भी आपको टिल्ट वाली ही मिलती है। अब यहाँ पर देखें तो सन वाइजर ये सारा चीज़ आपको मिल जा रहा है, जिसमें सिर्फ आपको मिरर मिलता है, लाइट वाइट ये सारा चीज़ नहीं मिलेगा। और सेम इस साइड देखें तो इस साइड आपको मिरर भी नहीं मिलता है। यहाँ पर आपके हो गए माइक, यहाँ पर आपको मिलती है रूफ लैंप जो है नॉर्मल हेलोजन वाले, यानी एक ही आपको लैंप मिलते हैं, ये चीज़ आपको फ्रंट में नहीं मिलेंगे। AC वेंट्स की जो इसकी क्वालिटी या फिर डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छी लगती है, इस तरीके से आप इसे अगर करें एडजस्ट तो ऐसे आपको यहाँ पर नॉब मिलता है। अब चलिए बात हो गई सारी फ्रंट की लगभग, अब पीछे साइड हम लोग चलेंगे और पीछे हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ आपको फीचर्स मिलता है और साथ में क्या स्पेस मिलता है। तो ये भाई अपने हिसाब से हो गया एडजस्ट। अब चलिए पीछे सीधे हम लोग करते हैं जंप। यहाँ पर आपको मिल जा रहे हैं, जैसा कि आप देखिए 1 लीटर की बोतल यहाँ पर इजीली आ जा रही है। विंडो से रिलेटेड कंट्रोल मिल जा रहे हैं, और ये आपको डोर हैंडल यानी डोर लीवर मिल जा रहे हैं। रियर साइड में भी आपको स्पीकर्स यहाँ पर मिल जा रहे हैं। अब स्पेस की बात करें तो स्पेस आपको ठीक ठाक मिल जा रहा है गाड़ी के हिसाब से, हालांकि एक तरह से अच्छा भी कह सकते हैं। अंदर थाई सपोर्ट जो है ये चीज़ तो काफ़ी अच्छा मिल रहा है, इससे रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम होने वाला है नहीं, और ये सारा जगह भी आपको सही मिल रहा है, क्योंकि हमारा हाइट है 5 फीट 7 इंच के करीब, तो उस हिसाब से
अब यहाँ पर आप देखें हेडरूम, तो हेडरूम भी आपको अच्छा मिल जा रहा है। कह सकते हैं कि हमारे हाइट वाले बंदे को किसी तरह की प्रॉब्लम होगी नहीं, और इसमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिल रहे हैं, जो चीज़ आपको सिर्फ टॉप वेरियंट में मिलेंगे। दो आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं एडजस्टेबल वाले, और सीट के बीच में किसी भी तरीके का कप होल्डर ये सारा चीज़ इसमें भाई मिलने वाला है नहीं। तो यही सारा चीज़ आपको पीछे मिल रहा है, एसी वेंट्स मिल जा रहे हैं, ये आपकी फ़ैन की ब्लोअर स्पीड कम ज़्यादा करनी हो, और साथ में एक आपको चार्जिंग सॉकेट भी मिल जा रही है। यहाँ पर आपको मैगजीन होल्डर नहीं मिलते हैं, ये चीज़ आपको को पैसेंजर साइड भले ही कंपनी वाले देते हैं। और इंटीरियर देखें तो इस तरीके से आपको इसका जो है इंटीरियर मिलता है। तो काफ़ी सिंपल सा गाड़ी है, दाम के हिसाब से फीचर्स ठीक ठाक दे दे रहे हैं। अगर और इसके कंपटीशन की अगर हम बात करें तो वो सभी लगभग इन्हीं सब फीचर्स के साथ आती है। अब चलिए बात करते हैं इंजन से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर इंजन ऑप्शंस इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मिलता है। अगर आप मारुति में जाते हैं तो आपको सिर्फ एक तरह का इंजन ऑप्शन मिलेगा, अगर आप जाते हैं टियागो में तो उसमें आपको दो तरह का पेट्रोल डीजल मिलेगा, इसमें अगर आप चले जाते हैं तो इसमें एक टर्बो वेरियंट ही कंपनी वाले अलग देते हैं, यानी वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहेगी नॉर्मल इंजन से। एक 1.2 लीटर की इसी में आपको कप्पा आएगी, एक 1.2 लीटर की डीजल इंजन आएगी, और चौथी जो है वो चीज़ आपको मिलेगी 1.2 लीटर के सीएनजी के साथ वाली सिस्टम। हालांकि अब तो टाटा की टियागो में भी आपको सीएनजी मिलने लगी है। तो यही है भाई अपना इंजन, इसे ओपन किया जाए और आपके साथ इसकी पावर जो है वो चीज़ शेयर की जाए। तो यहाँ पर देखिए तो आपको हुंडई के 1.2 लिखी हुई मिलती है। अब ये जो इंजन है 1.2 लीटर की नॉर्मल वाली पेट्रोल इंजन, ये प्रोड्यूस कर देती है 83 पीएस का पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क। बाकी सेफ्टी की बात करें तो एबीएस विथ ईबीडी ये सारी चीज़ तो आपको मिलनी ही है, दो एयरबैग्स मिल जाते हैं। भले ही ये गाड़ी जो है सेफ्टी रेटिंग में सिर्फ 2 स्टार लाई है, पता नहीं हुंडई वाले भी सेफ्टी पर वैसा कोई खास ख्याल रखते हैं नहीं अपने, क्योंकि जो भी गाड़ी इनकी देख लो सब लगभग डाउन साइड ही जाती है। अगर सेफेस्ट गाड़ी आपको चाहिए तो आपके पास टाटा भले ही इससे ज़्यादा ऑप्शन अच्छा बचता है, अगर उसके बाद चाहिए तो आपके पास बचता है ये गाड़ी थर्ड में चली जाती है मारुति सुजुकी जो आती है वो चीज़, क्योंकि वो तो सबसे ज़्यादा बेकार आपको मिलती है। तो भाई यही सारा फीचर्स था हमारी तरफ से इस हुंडई ग्रैंड आई 10 नियोस की सबसे टॉप मॉडल एस्टा से रिलेटेड। बाकी वीडियो कैसी लगी आप हमें कॉमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जल्द ही। अगले वीडियो तक अपना केयर करें, ड्राइव करें अच्छे से, सेफ रहें। ओके, बाय बाय।